बहुत ही सुखद और आह्लादकारी होता है। सबसे पहले आज के इस पुनीत अवसर पर मैं बड़े महाराज जी, जिनको मैंने बचपन से यौवन तक खूब देखा, उनकी बातें सुनी, उनसे बातें की भी, ऐसे अपने परम पीर परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज को अपनी विनम्र कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर आप विद्यमान हैं और मेरे जैसे एक साधारण से आदमी को सुनने का मन बना के बैठे हैं। मित्रों और छात्र मित्रों, मुझे आदेश दिया गया है कि मैं अपने एक ही व्याख्यान में बच्चों के लिए, मतलब विद्यार्थियों के लिए और अपने मित्र शिक्षकों के लिए कुछ बातें बताओ टिप्स कहूँ। मैं स्वयं लंबे समय तक उच्च शिक्षा में शिक्षक और प्रिंसिपल रहा हूँ। ये मानता हूँ कि ज्ञान के धरातल पर तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो सका, मेरी ज्ञान की साधना ऐसी नहीं हो सकी जिसका बहुत उल्लेख किया जाए, लेकिन जिंदगी को डूब कर देखने के नाते, बहुत निकट से जिंदगी को देखने के नाते कुछ अनुभव हुए, कुछ तजुर्बे हुए और भी मुझे लगता है और अब दुनिया को भी लगता है कि काम के हुए। तो अपने थोड़े से ज्ञान और तनिक उससे ज़्यादा अनुभव के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और कोशिश करूँगा कि जो समय निर्धारित है उसमें आप दोनों की खिदमत में, दोनों की सेवा में मैं चंद शब्द निवेदन कर सकूँ। सबसे पहले बच्चों से, और बच्चों से ही क्यों, शिक्षकों से भी। स्वागत है उनका जो इस वर्ष इस महाविद्यालय के विद्यार्थी हुए हैं और शिक्षक हुए हैं, फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अब अमेरिका कह रहा है, अभी अभी पढ़ा है, उसने शोध की है कि 84 लाख नहीं 87 लाख जीवन अब हो गया है। हमारे यहाँ 84 कहा गया था, वो अब अनुसंधान करके 87 कह रहे हैं। तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि 2 से 3 होता है, वनस्पतियों में हुआ, पेड़ पौधों में हुआ, जीवों में भी हुआ। जैसे एक उदाहरण काफ़ी होगा, घोड़ा था आदिकाल से और गधा भी था, पर खच्चर नहीं था, दोनों के संयोग से ये खच्चर हुआ है तो तीसरा हुआ है, ऐसे बहुत सारी नस्लें पड़ी हैं। तो 87 संभव हो सकता है। मानता हूँ कि 84 लाख या 87 लाख योनियों में से हम इंसान हैं, तो सबसे पहली बधाई हम आपको इंसान होने के नाते देते हैं, जो सुर दुर्लभ कहा गया है। दूसरी चीज मित्रों, मैं कोई आगे बात कहूँ उसके पहले ये कह देना चाहता हूँ, सब जगह कहता हूँ कि ये विद्यार्थियों के लिए है कि विद्यार्थी होने की मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि जिस वक्त आप इस हाल में बैठे हैं और अपने गुरुजनों से और मुझसे संवादित हो रहे हैं, ठीक उसी समय करोड़ों बच्चे दुनिया में, करोड़ों बच्चे कहीं गंदे नालों में, कहीं गंदी गंदे ढेरों पर खड़ा होके प्लास्टिक बुन रहे हैं, लाखों बच्चे होटलों में प्लेट धो रहे हैं और पीते जा रहे हैं, लाखों बच्चे ठीक इसी समय जब हम आप एक दूसरे को संबोधित करने खड़े हैं तो चौराहों पर भीख मांग रहे हैं, और लाखों ऐसे हैं जिनसे भीख मंगवाया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि लाखों करोड़ों बच्चे इस समय पूरी दुनिया में कहीं भिखारी के रूप में और कहीं कूड़ा कचरा से कोई कीमती चीज़ उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं।